ऐसा क्या था कि लोग पहले मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज का नाम सुनकर ही बहुत डरते थे? और क्यों पहले कोको कोला को लोग इंजेक्शन में डालकर लेते थे? रोज आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिनके डार्क सीक्रेट्स के बारे में आपको नहीं पता था। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। नंबर वन, कोको कोला। सुनकर बहुत अजीब लगेगा लेकिन कोको कोला का जो ओरिजिनल प्रोडक्शन था उसमें कोकेन था। हाँ भाई, वही कोकेन जो की एक ड्रग है और इसे यूज करना बिल्कुल ही इलीगल है। पर तभी ये ऐसा नहीं था, इसलिए लोग इसे यूज करते थे और लोग कोको कोला से एकदम डेंजरस तरीके से एडिक्ट हो जाते थे। पर फिर 1929 में इस चीज को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया और कोको कोला में से कोकेन को निकाल कर कैफीन की मात्रा को बढ़ाया गया। फिर नया फॉर्मूला क्रिएट किया गया जो कि अब तक चल रहा है। सोचो आज भी अगर इसमें कोकेन होता तो ये कितना ज्यादा डेंजरस होता। नंबर टू, यार जिस फोन को हम आज एक स्टेटस सिंबल मानते हैं उसका नाम शायद आई पर्पल या फिर पर्पल होता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जब आईफोन को बनाया जा रहा था तो इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने प्रोजेक्ट पर्पल रखा था और इस हिसाब से ही चलता रहता तो प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद वो नाम भी पर्पल या फिर आई पर्पल कर देते। लेकिन इसके जस्ट लॉन्च होने से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने इसका नाम आईफोन रखने का सोचा, यानी कि इंटरनेट फोन। नंबर थ्री, मैगी नूडल्स। आज मैगी नूडल्स हमारे लिए क्विक स्नैक है। जब घर में कुछ नहीं होता और भूख लगती है तो हम मैगी बना लेते हैं। और हाँ, सबको पता है कि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, पर उसके बाद भी हम इसे बड़े मजे से खाते हैं। पर जब इसे पहले लॉन्च किया गया था तो उनका प्लान था एक हेल्दी मील बनाना जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके और जरूरत होने पर खा सके। उन्होंने इसे बिल्कुल भी अनहेल्दी बनाने का नहीं सोचा था। वो चाहते तो ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियल मील होता और ये ट्रेडिशनल स्विस डिश रोस्टी से इंस्पायर था, पर इनका प्लान कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा। नंबर फोर, कैडबरी डेयरी मिल्क। अगर आपने डेयरी मिल्क की एड्स देखी है तो आपको ग्लास एंड हाफ वाला स्लोगन तो पता ही होगा। कई लोगों को लगता है कि ये बस ऐसे ही रैंडम स्लोगन था, पर ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी मीनिंग है। इसके जरिए वो बता रहे हैं कि कैसे डेयरी मिल्क के एक पाउंड चॉकलेट में से एक ग्लास जितना मिल्क होता है। अब ये बात अलग है कि इन्होंने कौन से ग्लास का यूज किया था, ये तो इन्हें ही पता। नंबर फाइव, मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज। यार एक टाइम पर मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज खाने से वेजिटेरियन लोगों की बैंड बज जाती थी। मैकडॉनल्ड्स ने सोचा कि वो अपने फ्रेंच फ्राइज में बीफ एसेंस डालेंगे, मीट डालेंगे, इससे शायद उनका टेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। और उनको लगा कि वर्क भी कर रहा है, लोगों को इनके फ्रेंच फ्राइज काफी अच्छे लग रहे थे। पर ऑब्वियसली ये करना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि जाने अनजाने में उन्होंने नॉन वेज खा लिया है। पर हाँ, फिर जब इस चीज का खुलासा हुआ तो इसे बंद कर दिया गया। वैसे कई लोग कहते हैं कि शायद इसका कहीं ना कहीं अभी भी यूज होता है। नंबर सिक्स, कोलगेट टूथपेस्ट। कोलगेट इंडिया में इतना फेमस है कि लोग टूथपेस्ट की जगह पर टूथपेस्ट को कोलगेट बोलना ही पसंद करते हैं। लेकिन इसमें दांत को प्रोटेक्टेड रखने के लिए फ्लोराइड का यूज होता है। अगर फ्लोराइड को काफी ज्यादा मात्रा में खाया जाए, और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि एक ही बार में बल्कि ऑल द टाइम अगर ज्यादा फ्लोराइड को खाया जाए तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है। उसके बाद भी इस चीज को एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग में कहीं भी नहीं लिखा जाता जो कि कंसर्निंग है। नंबर सेवन, मैगी मसाला। यार मैगी का टेस्ट तो सबसे कंपेयर किया जाता है और लोगों को इसका मसालेदार टेस्ट भी अच्छा लगता है, पर मैगी में काफी ज्यादा मात्रा में स्पाइसेस और फ्लेवर एनहेंसर्स को डाला जाता है। यानी स्पाइसेस तो ठीक है, वो तो हम भी नॉर्मल खाने में यूज करते हैं, लेकिन फ्लेवर एनहेंसर आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और यूजुअली इसे खाना अवॉइड करना चाहिए। नंबर एट, गूगल सर्च। आपको इसके बारे में नहीं पता होगा लेकिन गूगल सर्च भी कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है, बिल्कुल जैसे कि कोई एप्लीकेशन होती है। वैसे ही हर साल गूगल सर्च में कई सारे अपडेट्स आते हैं, लेकिन जैसे कि बाकी सारे अपडेट में बताया जाता है कि उन्होंने क्या अपडेट किया है, गूगल सर्च में ऐसा नहीं होता। अपडेट्स आने के बाद कंपनी इस चीज को रिवील करती नहीं कि उन्होंने गूगल पर क्या अपडेट किया है, इस चीज को कम्प्लीटली सीक्रेट रखा जाता है। नंबर नाइन, कैडबरी बॉर्नवीटा। यार इस ड्रिंक को कुछ इस तरीके से मार्केट किया जाता है जैसे कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा है भी, लेकिन इसमें अगर शुगर की मात्रा ज्यादा होती है और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी नॉर्मल डाइट में अच्छे खासे लेवल का शुगर ले रहा है तो उसके बाद इसका यूज करने से वो अपने बॉडी में बस शुगर की मात्रा को काफी ज्यादा बढ़ा देगा जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्की और डेंजरस होगा और उसके लिए वेट गेन से लेकर कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 10, कुरकुरे स्नैक्स। बिल्कुल मैगी की तरह कुरकुरे के टेस्ट को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही इसमें कई तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का यूज होता है और उसी के साथ इसमें भी कलर का यूज होता है। बिल्कुल वैसे ही मैगी की तरह अगर इससे भी ज्यादा खाया जाए तो ये काफी ज्यादा रिस्क होल्ड करता है और ये ओवर द टाइम आपके बॉडी को डैमेज भी करता है, इसलिए ऐसे स्नैक्स से आपको दूर ही रहना चाहिए। नंबर 11, नाइकी शूज। या नाइकी जैसे कई सारे बड़े बड़े शूज ब्रांड है जो कि कई बार एनवायरमेंट और इन सब के लिए मैराथन करवाते हैं और एक तरीके से अपने शूज को प्रमोट भी करते हैं, पर वही इन कंपनीज के शूज ज्यादातर पॉलिएस्टर और पॉलीटरीन से बनते हैं जो कि पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। और इसमें दिक्कत ये है कि इन केमिकल्स का यूज करके किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसके बनते हुए और फिर जब उसे यूज होने के बाद फेंकते हैं यानी कि डिस्पोज करने में, दोनों में काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट में। और ये हर साल इतने शूज बनाते हैं तो ये सोचो कितना हार्म करते होंगे। नंबर 12, फेनस क्रीम्स। फेनस क्रीम्स में यूजुअली
हाइड्रोक्विनोन और मर्क्यूरी जैसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब माना है कि ये कुछ लोगों को टेम्परी फिटनेस दे सके, लेकिन उनकी स्किन पर ज्यादा बुरा असर डालता है और ऑल द टाइम ये आपकी स्किन को डैमेज करता है, यहाँ तक कि लोगों को लाइफ लॉन्ग बीमारी भी छोड़ सकता है। लेकिन ये सारी बातें आपको बिल्कुल भी नहीं बताई जाती। अगर ये अपने प्रोडक्ट में इन चीजों का यूज कर रहे हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन ये सारी चीजें कंज्यूमर के सामने तो रखनी ही चाहिए। नंबर 13, पैराशूट कोकोनट ऑयल। ये वाला ऑयल ज्यादातर अपने सर में डालने के लिए लोग यूज करते हैं, पर सरप्राइजिंगली कई लोग इसकी मदद से खाना भी बनाते हैं और इसको कंज्यूम करते हैं। और इससे ज्यादा लेवल पर कंज्यूम करना एक्चुअली में ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि इसमें काफी हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये बहुत सारा प्रोसेस होता है और इसकी वजह से ये हार्ट अटैक के भी चांसेस को बढ़ाता है। नंबर 14, एंटीसेप्टिक लिक्विड। आपने बहुत सारे एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज किए होंगे, फिर वो अपने एंटीसेप्टिक लिक्विड में क्लोरिक्स लिनोलॉल यूज करते हैं, जो कि जर्म्स को मारने में काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसी के साथ ही आपकी स्किन को केमिकल बर्न्स दे सकता है और इचिंग और बर्निंग सेंसेशन जैसी कई सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसमें इन चीजों को डालते हैं ताकि ये जर्म्स को मार सके, और जर्म्स को तो ये अच्छे से मार देता है पर ये हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। इनको केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें तो लगता है कि जल रहा है तो ठीक ही हो जाएगा। नंबर 15, हेयर कलर। यार ब्यूटी और हेयर प्रोडक्ट्स को लेकर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सारी चीजें सबको सूट नहीं होती, सबकी बॉडी अलग अलग होती है तो उनको अलग अलग चीजें सूट होती है। जो फेमस हेयर कलर आते हैं उसमें काफी मात्रा में अमोनिया एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, जो हमारे हेयर के स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए पहले इस चीज को अवॉइड करने के लिए कहा जाता था और दूसरे हेयर कलर्स यूज करने को कहते थे जो कि इनके हेयर को बिल्कुल सूट करे, और इस चीज को एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग में बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि मिस्टर बीस्ट के वीडियो में ये कौन सा बंदा था जो कि खुलेआम चीटिंग करके जीता है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं, और ये कौन सा यूट्यूबर है जो कि माइनक्राफ्ट खेलते खेलते ही जेल में चला गया। भाई ये वीडियो इतना मजेदार है कि एक एक सेकंड इसका वर्थ इट रहेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।